तेलंगाना के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसको अभी भी लगता है कि भारत में विदेशी राज है, कॉलोनियल रूल चल रहा है, और उस कॉलोनियल रूल के अंदर जिसको चाहो जहां चाहो उसे पकड़ो और उस पर क्रिमिनल केसेस डालो। और ये श्रृंखला है, श्रृंखला है। कई पत्रकारों के नाम मैं ले सकता हूं, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम ले सकता हूं जिन पर लगातार क्रिमिनल केसेस डालेंगे। आपके ही एक पत्रकार मित्र 3 बार मलाना जैसे कई नेता हैं जिनको जबरदस्ती जेल में कैसे रखना है उसका प्रयास तेलंगाना की सरकार करती है। मैं हैरान हूं कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है वो आईपीएस अधिकारी वो लोग जो खाकी डालकर सुरक्षा के लिए निकले हैं तेलंगाना में लगता है उन्होंने खाकी उतारकर गुलाबी रंग की केसीआर की झंडे की वर्दी डाल ली है, जिनके खिलाफ पहले ही प्रिविलेज मोशन चल रहा हो लोकसभा में, वही व्यक्ति फिर दोबारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के हेड को उसी के कार्यालय के अंदर से मैन हैंडलिंग करके, गैस कटर का प्रयोग करके, रोड्स का प्रयोग करके, ये जो पिंक वर्दीदारी है ना, पिंक ड्रेस्ड वर्दीदारी, वो पिंक वर्दी में गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। आपको मैं वीडियोस दिखा सकता हूं किस तरह रोड से गेट तोड़ा जा रहा है, जैसे दाऊद इब्राहिम को ये पकड़ने जा रहे हैं, जैसे किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं। और आज तेलंगाना की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है वो मेरे उन शब्दों को और नड्डा साहब ने जो कल प्रेस की थी उनके शब्दों को सेकंड किया है। मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय को जिन्होंने तेलंगाना की धरती पर तराजू में पूरा तोला है। आखिरी मौके पर कोर्ट के अंदर दफा बदल दी जाती है, ऐसे बिहेव किया जा रहा है कि गैंगस्टर पकड़ा गया है, ऐसे बिहेव किया जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कल हमने क्वेश्चन उठाया था वंशवाद का, आज भी हम स्टैंड करते हैं। बताएं केटीआर साहेब, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा, जब तेलंगाना के छात्र तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए आत्मदाह कर रहे थे, तो आप किस मल्टीनेशनल कंपनी में, विश्व के कौन से देश में आराम से काम कर रहे थे? आज सत्ता का सुखा भोग रहे। सत्ता आपको चाहिए, बता दीजिए जनता को कि 2014 से पहले आपकी प्लेसमेंट कहां थी, आपने कौन से आंदोलन में कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड
तेलंगाना को दिए, जो लोग तेलंगाना आंदोलन में थे वो आज सब लोग इधर बैठे हैं। संजय बंडी को जबरन, हमने कहा था जबरन हिरासत में रखा, झूठे केस में हिरासत में रखा, आज वो कोर्ट के आदेशों से सिद्ध हुआ है, न्याय मिला है। हमें पहले भी न्याय प्रक्रिया पर, भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन तेलंगाना की सरकार के मुंह पर झूठे केस बनाने वाली गुलाबी फ्राकदारी, ये जो पुलिस है उसको समझ आना चाहिए कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और भारत के अंदर लॉ ऑफ स्टेट है, ना कि कॉलोनियल रूल चल रहा है। अंग्रेज नहीं है कि रॉयल एक्ट लागू कर देंगे आप। दुर्भाग्य है कि हमारे पुलिस कमिश्नर्स को, हमारे पुलिस के उन जाबाज गुलाबीधारी गुंडों को गुंडों की तरह बिहेव करने वाले उन जाबाज अधिकारियों को लगता है कि अभी कोई तेलंगाना के मुख्यमंत्री निवास पर लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डेलोजी बैठा है जिसका ऑर्डर ही सब कुछ है। देश न्याय से चलता है, कानून से चलता है, और कानून का दुरुपयोग तेलंगाना की सरकार ने, केसीआर ने, टीआरएस की पार्टी ने किया है, ये सिद्ध हो चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध हैं तेलंगाना की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। केसीआर साहेब, जितनों को चाहो जेल में डालो, जितनी तानाशाही कर सकते हो करो। मैं सिर्फ भगत सिंह के उन शब्दों को दोहरा रहा हूं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। संजय बंडी प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और इस ब्रूटल, तानाशाह, गैर कानूनी हथकंडे अपनाने वाली सरकार के खिलाफ लगातार लड़ेगी। हमारा आंदोलन जो जारी है, जारी रहेगा। टीचर्स को, कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए, नौजवानों को नौकरियां दिलाने के लिए और बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए ये आंदोलन चलता है, चलता रहेगा। और जब तक हम बंगारू तेलंगाना ना बनाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। संजय बंडी के रूप में तेलंगाना का हर भाजपा का कार्यकर्ता, तेलंगाना को प्यार करने वाला हर नागरिक तैयार बैठा है, हम तैयार बैठे हैं। जितने कंगन, जितनी हथकड़ियां तुम डलाना चाहते हो, आपकी हथकड़ियां कम पड़ जाएंगी, ये हाथ कम नहीं पड़ेंगे, ये हाथ कम नहीं पड़ेंगे, ये हाथ कम नहीं पड़ेंगे। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के न्यायालय सिस्टम को, जिस पर हमें विश्वास है। न्याय व्यवस्था ने जो ऑर्डर जारी किया है वो लोकतंत्र की, न्याय की, देश के लिए काम करने वाले आंदोलनकारियों की, शांति में आंदोलन चलाने वालों की जीत है, जीत है।